आगे बिल्कुल साइड पर आलम भाई, यही है वो साइड जो आप बता रहे थे, मेन रोड पर दुकानें भी है, हाँ प्लॉट भी है और बाजार भी लग रहा है यहाँ। हाँ जी बाजार लग गया जी। अरे वाह क्या बात है, देखिए कितनी रौनक यहाँ पर हो रही है दोस्तों। इस तरह की पूरी माहौल में आपको प्लॉट मिलेंगे 150 गज में जी, फैक्ट्री बना के दे रखी जी। अच्छा यानी इसमें कारोबार भी? हाँ, इसमें डमी की फैक्ट्री जी। अच्छा जी, देखिए दोस्तों रेडीमेड के अंदर जो आप कपड़े देखते हैं ना जिस डमी पे लगते हैं, वो डमी इस मकान में बनती है और यहाँ पर दुकान वाला मकान भी है। हाँ जी जी। अच्छा जी, इसमें दुकानें ही बना दी हैं आप। देखिए अभी हम आ गए हैं साइड पर, जैसे कि आलम भाई ने दिखाया था बाजार भी लग रहा है, मेन रोड की साइड है और सबसे अच्छी चीज है फैक्ट्री बिल्कुल सामने। तो आलम भाई यहाँ भी प्लॉट आप दे रहे हैं? हाँ जी। और इतने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं ऑलरेडी पहले से। 60 गज का जी। ये देखिए दोस्तों पानी यहाँ पर देख सकते हैं, बिजली की पाइपलाइन देख सकते हैं और देखिए इधर ये बिजली का मीटर भी देखिए, सभी घरों में बिजली के मीटर भी यहाँ पर लगे हुए हैं, हर चीज की सुविधा पहले से दी हुई है और एक मकान यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आलम भाई आप ही बनवा के दे रहे हैं? हाँ ये बना रहे जी। अच्छा जी सर, आप कोई दिया जी प्लॉट? आपने लिया क्या? हाँ जी हम ही लिया। खुद से बना रहे? हाँ खुद से बना रहे। माल मटेरियल हम दे रहे। तो आ जाइए थोड़ा सा सर, ये बताइए आपने कितने गज का प्लॉट लिया आलम भाई? 80 गज लिए। 80 गज का। तो माल मटेरियल आप आलम भाई से ले रहे हैं और खुद से बना रहे हैं? आलम भाई से ले रहे हैं। ये खुद मिस्त्री है जी। कितने गज का रहेगा प्लॉट ये? 80 गज का है। 80 गज का। तो कितना बनाना चाहेंगे अभी, एक मंजिल दो मंजिल कैसे? एक मंजिल तक बनाएंगे। एक मंजिल तक बनाएंगे। तो आप ये बताइए आपने जो आलम भाई से प्लॉट लिया है तो आपको क्या चीज अच्छी लगी यहाँ पर? आलम भाई खुद बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक का दो दो प्लॉट कर लिए हम लोग। अरे वाह, एक के साथ दो दो? दो दो, दूसरा कर रहे हैं। का प्लॉट उधर भी है, पल्ले साइड भी। अच्छा जी। अच्छा सुविधाएं पूरी है, जैसे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बिजली का खम्भा दिखाना चाहेंगे एक बार, बिजली भी आती है, पानी की सुविधा, स्कूल बच्चों के लिए और ये रोड पे गाड़ी वगैरह यहाँ पर बैटरी रिक्शा वगैरह ये सारी सुविधा है? सारा सुविधा है बैटरी। हाँ अच्छा जी। तो आलम भाई जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें हॉस्पिटल वगैरह, डॉक्टर की दुकान वगैरह ये सब इसी कॉलोनी में है जी। इसी कॉलोनी में जी जी। तो ये मकान किस तरह से बना रहे हैं थोड़ा सा दिखाइए एक बार। ये एल टाइप का आइए, एक रोड वो है एक रोड ये इधर। देखिए ये टू साइड का मकान है, एक इधर रोड रहेगा हमारा और एक इधर की तरफ रहेगा जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ है, आप अपनी पसंद का प्लॉट लीजिए और अपने हिसाब से खुद भी बना सकते हैं, चाहे तो आलम भाई से भी बनवा सकते हैं। बनवा सकते हैं ना जी? ये देखो कैसा बन रहा। अच्छा जी, सर आप तो खुद बनाने वाले हो, आप बताओ ना आप, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर मकान बना करके? बढ़िया लग रहा है जी। बढ़िया लग रहा है। हाँ। और आपने जो ये ऊपर ये टाइप में डाला है ये किस लिए डाला है, इसका क्या मतलब होता है? मजबूत रहेगा। मजबूत रहेगा। हाँ। और पिलर भी दे रहे हैं आप साथ में? पिलर भी दे दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसी तरह से एक मकान ये भी बना हुआ है, ये कितने गज का बना के दिया? 160 गज है। 160 गज में? तो काफी बड़े बड़े मकान बनने। आइए थोड़ा सा आपको और भी मिलवाते हैं लोगों से। सर आप भी आ जाइए थोड़ा सा। ये बताइए जी आलम भाई जो मकान बनवा करके देते हैं किस तरह की क्वालिटी रहती है? अच्छी क्वालिटी है, मतलब बजट के हिसाब से या जैसा कस्टमर कहता है वैसे? जैसा कस्टमर कहता है वैसा बन जाता है। हाँ, यानी कस्टमर जैसा चाहे वैसा मकान बनवा सकता है, हाई क्वालिटी में, मीडियम में या लो क्वालिटी में, वो आपके ऊपर है। एक और मकान बना के दिया आलम भाई आपने? ऐसे तो बहुत मकान है जी। तो थोड़ा सा दिखा सकते हैं? पूरी कॉलोनी हमारी है जी। ये छोटा सा शहर अपने ही है। क्या बात है तुम्हारे भाई का। ये देखिए दोस्तों पीछे ये रोड है, मेन रोड जो ट्रैक्टर जाता हुआ आपको दिख रहा है और सामने फैक्ट्री, सिटी में फैक्ट्री एरिया। तो सर आप भी यहीं पे काम करते हैं? हाँ मैं भी यहीं काम करता हूँ, मतलब। अरे वाह क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। रोजगार भी पास में मिल रहा है आपको, प्लॉट भी पास में मिल रहा है, सारी चीजों की सुविधाएं आपको एक जगह पे मिल रही हैं। देखिए आलम भाई ने एक और मकान बना करके दे दिया। आलम भाई ये कितने गज का घर बनाया आपने? 60 गज का बनाया जी। अरे वाह क्या बात है, देखिए बिजली का मीटर भी लगा हुआ है। हाँ जी चालू है। देख सकते हैं दोस्तों मीटर चालू है, लाइट वगैरह सारी कॉलोनी अपनी बसाई है। और चारों तरफ मकान देखिए कितने, चारों तरफ मकान ही मकान आपको दिखेंगे। इतनी सारी बसावट के बीचों बीच प्रॉपर्टी मिल रही है और आपको यहाँ पर मिलने बने हुए मकान। तो आलम भाई ये बताइए क्या यहाँ पर अभी जैसे आइसक्रीम वाला है इस तरह से क्या सब्जी फ्रूट फल वाले भी आते हैं? सब चीज आती है जी, सब आते हैं। इसी कॉलोनी में दुकानें भी कर रखी लोगों ने। क्या बात है। तो दोस्तों बेफिक्र होकर के आ जाइए न्यू आलम प्रॉपर्टीज पर, यहाँ पर आपको बने हुए मकान भी मिलेंगे और प्लॉट भी मिलेंगे। आलम भाई उन लोगों के लिए बताइए जो हमारे भाई नए देख रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें भी किराए से मुक्ति चाहिए, हम भी खुद का घर लेना चाहते हैं। भाई साहब आपको न्यू आलम प्रॉपर्टी पे आना पड़ेगा, आओ ऑफिस हमारे, सारी साइड आपको दिखा देंगे, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे प्लॉट ले सकते हो। जैसा प्लॉट चाहो ऐसा प्लॉट दे देंगे, जैसा मकान चाहो मकान बना के दे देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक भाई और हमारे साथ आ गए हैं, आइए थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेते हैं। आइए जी, सर आप यहीं पर रहते हैं क्या? नहीं जी, वो आलम भाई की देन है तो ले लिया इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, मिल तो गया ना मकान आपको, तो सर बताने में क्या परेशानी है। अब ये बताइए कितने गज का घर मिला है आपको? 35 गज लिया। 35 गज का बना रहे हैं खुद से? हाँ जी बनाएंगे। हाँ। तो कैसी लगी जगह? जगह तो ठीक है,
अच्छा। लोग भी ठीक हैं। माहौल कैसा लगा जी? माहौल भी अच्छा है और अच्छा। आलम भाई भी अच्छे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं, अपना घर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर रह भी रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। तो आलम भाई जैसे बच्चे ये स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन पढ़ का ही स्कूल यहीं पे इसी कॉलोनी में। अच्छा, यहाँ पर स्कूल भी है? इसी कॉलोनी में स्कूल है, मंदिर मस्जिद, परचून की दुकान, राशन की दुकान, ब्यूटी पार्लर, जेंट्स पार्लर, हलवाई की दुकान, डॉक्टर की दुकान, सब है यहाँ पे, सब है। अब दोस्तों देखिये और भी कुछ मकान है, इस मकान के ऊपर चलते आप देखिए कितनी अच्छी रौनक है इस पूरी बस्ती के अंदर। देखिये चारों तरफ मकान दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे चारों तरफ कैमरा घुमाएं, देखिए कितने सारे मकान बने हुए, काफी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो आलम भाई कैसा लग रहा है, आपने पूरा एक शहर बसा दिया है? बस जी दुआ भाइयों की आपके जरिए से बस चुका, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब ऊपर वाला करवाता है जी, ना मैं कुछ कर सकता, बस ऊपर वाले की मर्जी। तो दोस्तों ये आप लोगों का प्यार है जो आलम भाई को यहाँ पर मिल रहा है, और आप लोग भी दोस्तों यहाँ पर बेफिक्र होकर के आइए, घबराने की जरूरत नहीं है, जितने प्लॉट चाहिए उतने प्लॉट मिल जाएंगे, जितने मकान चाहिए उतने मकान मिल जाएंगे। जो लोग अब भी किराए पर रह रहे के थक चुके हैं, आज तक उन्हें अपना घर नहीं मिला है, तो एक बार न्यू आलम प्रॉपर्टीज पर जरूर आइए। यहाँ पर आपको कब तक औरों का पेट भरोगे अपने बारे में सोचो, कब तक औरों का किराया दोगे, औरों को दोगे, जो आप वहाँ पे दे रहे हो आप अपने मकान में दो, आपका अपना खुद का हो जाएगा मकान, खाली प्लॉट ले लो, बना हुआ ले लो, आपका अपना होगा, वो जो दोगे अपने में दोगे तुम्हारा कम होगा, किराए पर रह रहे हो किराया भरते रहोगे, कभी कुछ नहीं होना, वहीं भरते रहोगे, वहीं बेकार हो जाओगे, कुछ फायदा नहीं। तो इससे अपने बच्चों के बारे में सोचो, आओ एक बार अपना प्लॉट लो, आपका अपना हो जाएगा, अपना मकान हो जाएगा, आप भी अपना अपने घर बैठ के अपने मकान में अच्छी सूखी रोटी बैठ के खा सकते हो, अपना गुजर बसर कर सकते हो। आप किराए पर रह रहे हो तो भाई वहाँ करना पड़ेगा, और आप वहाँ परेशानी रहोगे तो परेशानी से बचने के लिए आपको आना पड़ेगा न्यू आलम प्रॉपर्टी पे। अब दोस्तों देखिए इतनी बातें आलम भाई ने बोली दी हैं, तो एक बार जरूर आइए, चाहे आप यहाँ पर प्लॉट देखिए, पसंद आए ना आए, एक बार जरूर आइए देखने भाई, एक बार देखो, जो देखना होगे लेके ही जाओगे, कहीं ना कहीं पसंद आ ही जाएगा आपको। ठीक है, इतने भी तो दोस्तों किराया देना बंद कीजिए, आज से किस्त दीजिए, किस्त देने से आपका खुद का मकान होगा, अपना होगा, और किराया देने से कभी नहीं होगा। और फिर दूसरी बात ये बताऊंगा, सभी हमारे भाई बहन क्या ढूंढता है, ये ढूंढता है कि मुझे अच्छा सा मकान मिल जाए, आबादी में मिल जाए, आबादी ये तुम्हारे सामने है ही, और फिर दूसरी बात ढूंढता है जी काम, हिल्ला रोजगार मिल जाए, हिल्ले रोजगार के लिए सामने हो रही फैक्ट्री एरिया, ठीक है जी, देख सकते हो सामने फैक्ट्री, यहीं पर रहो यहीं पर काम कर सकते हो, ये तो काफी फैक्ट्री है, लाखों कंपनी यहाँ पे। और फिर दूसरी बात ये, यही जहाँ पे आदमी रहता है वहीं पर लाइट देखता है, पानी देखता है, परचून की दुकान, राशन की दुकान, ब्यूटी पार्लर, जेंट्स पार्लर, हलवाई की दुकान, डॉक्टर की दुकान, सब चीज़ देखता है, वो आपको यहीं पर मिलेगी, बच्चों के लिए स्कूल भी यहीं पर मिलेगा, पास में ही पैदल 5 मिनट में चले जाओ रेलवे स्टेशन मिलेगा, यहीं पे पुरानी दिल्ली 15 से 20 मिनट में आप रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाओगे। और दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी आहूजा फैमिली भी आ चुकी है, आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो आलम भाई ये आहूजा फैमिली कहाँ से आई? ये उत्तम नगर से आई जी। तो पहले वहाँ पर रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने कितने गज का प्लॉट लिया है आपसे? 5 गज का जी। और ये आप ही ने बना के दिया? हाँ जी, हमने ही बना के दिया जी। तो बनाने का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दो, 40-50% जमा करो, बाकी अपना किस्तों में देते रहो। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार न्यू आलम प्रॉपर्टीज पर जरूर आइए, अगर आप लोग वाकई में खुद का घर लेना चाहते हैं, खुद किराए से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो एक बार आलम भाई के पास जरूर आएं, क्योंकि जब तक आप किराए पर रहते रहेंगे तो आपके पास खुद का मकान नहीं होगा, और जिस दिन आपने किराया देना बंद कर दिया और किस्त देनी चालू कर दी तो आपका खुद का मकान हो जाएगा। हाँ जी। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये घर इन्हीं का है और ये यहाँ पर रहते हैं। अच्छा जी आप बताइए, आलम भाई ने आपको ये बना करके दिया है घर? बिल्कुल दिया है, भैया ने दिया बना। तो कैसा लग रहा है जी अब? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले आप खुद के घर में रहते थे वहाँ पे या किराए पे रहते थे? किराए पे रहते थे। तो अब तो किराया नहीं देना पड़ रहा ना? बिल्कुल नहीं देना पड़ रहा है। अच्छा, किस्त विस्त देते नहीं? बिल्कुल, भैया को थोड़ा थोड़ा करके जैसे बस किस्त देते हैं। देते हैं। चलिए तो दोस्तों देखिए इन्होंने भी किराया भर देते तो पूछो। अच्छा, वहाँ पे कितना किराया देते थे आप? वहाँ पे करीबन 10 पड़ता था हमारा। 10,000 रुपए? और यहाँ किस्त कितना दे रहे हैं? 10,000 किराया बचा दिया तो हमारे भाई बहन क्यों खुश नहीं होंगे? खुश इसीलिए रहते हैं मुझसे कि 10,000 किराया बचा दिया, अपने मकान में दोगे, जो ये देंगे 10 दो, 5 दो, 4 दो, 8 दो, जो भी देंगे अपने मकान में देंगे, उसमें कम। तो अभी कितनी किस्त दे देते हो आप? बहुत खुश है हम इस। अच्छा जी, अभी जैसे आप महीने की कितनी किस्त दे देते हैं? जितने बनते हैं अपने से। यानी कोई दबाव नहीं है किसी तरह का? कोई दबाव नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए दे देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ भी आपको पूरा कोऑपरेट
किया जाता है, आप बेफिक्र होकर के आ सकते हैं, जितना चाहें उतने महीने की किस्त बंधवा सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 10,000 ही महीने का देना है, जो आपको लगता है उतने पैसे आप दीजिए और अपने घर में रहिए। तो दोस्तों एक बार जरूर आइए न्यू आलम प्रॉपर्टीज पर। आलम भाई आना कैसे है और कहाँ पर है आपका ऑफिस, ये और बता दीजिए। सभी भाइयों ने खजूरी भजनपुरा देखा है, खजूरी से ऑटो मिलता है पूजा कॉलोनी के लिए। हाँ जी, पूजा कॉलोनी में मेरा ऑफिस है न्यू आलम प्रॉपर्टी के नाम से। किसी भी ऑटो वाले से बोलोगे कि आलम प्रॉपर्टी पर जाना, कोई भी आपको हमारे ऑफिस पर छोड़ देगा। ठीक है जी, जैसा चाहो ऐसा आपको प्लॉट दिखा देंगे। और देखो छोटी सी वीडियो बनाई जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते। हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन करो। क्या बात और है, तुम बताओ जी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक लोगों को इसकी ज़रूरत है। यानी जो लोग अब भी बेघर हैं, जिनके पास खुद का घर नहीं है, किराए पर रह रहे के थक चुके हैं, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि सभी लोग यहाँ पर आकर के बच सकें। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने यार दोस्त फ्रेंड्स और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।